Hello students, so we were talking about the turbulence. What turbulence does? आपने घर में मिक्सी देखी होगी, मिक्सी चलती रहती है ना, तो मिक्सी क्या करती है? मिक्सी is utilizing the turbulence for its benefit. Turbulence is being converted into the kinetic energy, and that kinetic energy is doing work, whatever you are doing in the mixie. So turbulence dissipates the kinetic energy usually in the form of heat. Like it's racing car hai, planes hai. They are engineered to precision in order to minimize the turbulence. उनकी डिजाइन ऐसे की जाती है कि टर्बुलेंस मिनिमाइज हो. मतलब जैसे आपने देखा होगा जापान में जो ट्रेन चलती है उनका अगला हिस्सा कैसा होता है, तो बहुत फास्ट स्पीड से चलेंगे तो एयर की वजह से टर्बुलेंस हो सकता है. ठीक है, तो एयर की वजह से टर्बुलेंस होगा तो उसको मिनिमाइज किया जाता है. डिजाइन ऑफ व्हीकल्स इज मेड इन सच ए मैनर. नाउ अब हम जो है देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल 10.11 फ्लो रेट्स के बारे में है. देखिए, द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप ऑफ डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर इज 0.48 लीटर पर मिनट. ये फ्लो रेट दिया हुआ है 0.48 लीटर पर मिनट है, जहां डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर है. कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज गिवन 10^3. आफ्टर सम टाइम फ्लो रेट इज इंक्रीज्ड, कितना हो गया 3 लीटर पर मिनट हो गया. तो करेक्टराइज द फ्लो फॉर बोथ द फ्लो रेट्स. करेक्टराइज मतलब जब फ्लो रेट पहले था 0.48 तब कैसा था फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो क्या था, और जब 3 लीटर पर मिनट है तो टाइप ऑफ फ्लो क्या है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नाउ. तो इसके लिए हमें थोड़ा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. कैसे, मान लिया कि स्पीड ऑफ द फ्लो वी है, जहां डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर है वहां स्पीड ऑफ फ्लो कितना है वी है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कैसा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर पाइप है इसलिए सिलिंड्रिकल अमाउंट ऑफ वाटर होगा, सिलिंड्रिकल शेप होगा ना उसका, तो एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4, मतलब पाई आर स्क्वायर 4, पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज द एरिया ऑफ द पाइप. एंड वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, मीन्स डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड, पर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो वेलोसिटी है. ठीक है, मतलब कि इतना पानी पाइप में चल गया, तो हम जो है ये हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्या हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर पर सेकेंड. तो जो है v इंटू एरिया करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ द वाटर मिल जाएगा पर सेकेंड. तो इसको इन्होंने डिनोट किया है क्यू इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड. ये एक्सप्रेशन समझ में आया आपके. अब जो है वेलोसिटी से लिखेंगे तो आएगा 4q/π/d². वेलोसिटी लिख दिया वाटर का हमने, तो अब हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे. रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी डी अपॉन ईटा. लेट अस गो बैक टू शो यू द रेनॉल्ड्स नंबर अगेन. द फॉर्मूला इज व्हाट, रेनॉल्ड्स नंबर फॉर्मूला इज रो वी डी अपॉन ईटा. यहाँ वी की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी की वैल्यू क्या निकालिए, 4q/π/d² निकालिए बच्चों. ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे v की वैल्यू. तो देखिए रो v की वैल्यू है 4q/π/d² और ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे d by ईटा. तो ये d और d स्क्वायर में से ये जो है एक d कट जाएगा, नीचे एक d रह जाएगा और ईटा यहाँ पे रहेगा. तो d और ईटा तो यहाँ प्रेजेंट है, एक पाई भी रहेगा यहाँ पे, पाई भी है. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर बन जाएगा 4q/π/d. ठीक है, अब इसमें देखिए जो रेनॉल्ड्स नंबर है क्यू के टर्म्स में आएगा, क्योंकि रो इज ए कॉन्स्टेंट, फोर इज ए कॉन्स्टेंट, पाई इज ए कॉन्स्टेंट, डायमीटर ऑफ पाइप इज नॉट चेंजिंग, इट इज ए कॉन्स्टेंट, ईटा इज ए कॉन्स्टेंट. ये सारी चीजें निकाल के कैलकुलेट किया तो 1.019 × 10^8 मीटर मीटर क्यूब पर मीटर टू द पावर माइनस 3 आया सेकेंड, एंड उसके साथ क्यू. ठीक है, तो क्यू फ्लो रेट जो दिया हुआ उसके टर्म्स में हम आंसर अब निकाल सकते हैं. रेनॉल्ड्स नंबर देखेंगे पहले, स्टार्टिंग में क्यू कितना है 0.48 लीटर पर मिनट है, तो लीटर पर मिनट है तो इसको हम चेंज करेंगे, तो एक मिनट में 60 सेंटीमीटर होते हैं तो यहाँ 60 रखेंगे. ठीक है, और एक लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो वो रखेंगे, तो उससे
8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा, राइट। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसको हम मीटर क्यूब पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि एम के एस में करना है, या क्यू की वैल्यू रखने पे हमारे पास 815 आता है। रेनॉल्ड्स नंबर कितना आता है बच्चों, 815 आता है, जो कि 1000 से कम है, इसलिए फ्लो स्टेडी है। थोड़े टाइम के बाद जो फ्लो रेट है वो हो जाता है 3 लीटर पर मिनट, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद फ्लो रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, लीटर पर मिनट, ठीक है, 3 लीटर पर मिनट। तो अब इसको यहाँ पे मिनट की जगह 60 सेकेंड रखेंगे और लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो हमारे पास में जो है कन्वर्जन फैक्टर से आएगा कितना, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा और 5 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। अब ये वैल्यू पुट अप करेंगे इसमें रेनॉल्ड्स नंबर में, जो फॉर्मूले में निकालेंगे तो हमारे पास कितना आया, 5095 आया। अब ये तो 1000 से बहुत ज़्यादा है, 2000 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब है फ्लो इज टर्बुलेंट। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया आपका। लेट अस नाउ डिस्कस द स्टूडेंट्स द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन का फिनोमिना क्या है, तो हमने देखा है कि ऑयल जो है वाटर पे मिक्स होता नहीं है, ठीक है। जैसे डक्स होती है तो उनके पंखों पे पानी जो है रुकता नहीं है, किसी किसी पत्ती के ऊपर भी आपने देखा होगा पानी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है और नीचे की तरफ लुढ़क जाता है, ठीक है। और जो है कोई दिया करने वाली जो कॉटन विक होती है उसमें ऑयल ऊपर की तरफ चलता रहता है, राइट। ये चीजें हम सब देख चुके हैं, बराबर। तो पेड़ जो होता है उसकी जड़ में पानी दिया जाता है, जमीन में होता है पानी, तो पेड़ के जो एक कैपिलरी एक्शन से क्या होता है कि पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है और उसकी पत्तियों वत्तियों में सब जगह जहां तक पहुंचना होता है। लीव्स क्या है, लीव्स आर द किचन ऑफ द ट्री, वहीं खाना बनता है ना, पत्तियों में ही खाना बनता है ना पेड़ का, वहां तक पानी पहुंच जाता है, ठीक है। हेयर्स ऑफ ए पेंट ब्रश डू नॉट क्लिंग टूगेदर वेन ड्राई एंड इवन डिप्ड इन द वाटर बट फॉर्म ए फाइन टिप वेन टेकन आउट ऑफ इट। कोई ब्रश होता है वो हवा में रहता है तो उसके जो हेयर्स होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, आपस में चिपकते नहीं है, लेकिन जैसे पानी में डिप करते हैं वो सब चिपक जाते हैं आपस में, एक पतली टिप बन जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है। ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे को ये बताते हैं कि वाटर के सरफेस पे एक टेंशन होता है, एक फोर्स होता है, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी, ठीक है। सरफेस एनर्जी क्या है, लिक्विड जो है गैस की तरह क्यों नहीं रहता या सॉलिड की तरह क्यों नहीं रहता, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जो अट्रैक्शन है उनके अंदर, उसकी वजह से वो लिक्विड है और टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एंड इन विच इट इज कैप्ट, ठीक है। नाउ कंसीडर ए मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द लिक्विड, एक मॉलिक्यूल जो है जो पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है, वो डूबा हुआ है, उसको हम देखेंगे तो दैट इज अट्रैक्टेड टू ऑल द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अट्रैक्शन जो भी है या बॉन्डिंग है, तो वो जब वाला मॉलिक्यूल जो है बाकी आजू बाजू घिरे हुए सारे मॉलिक्यूल्स उसको खींचते हैं, ठीक है। तो इसका इसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल की कुछ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो देखो हम इस फिगर में देख लेते हैं, ये पूरा तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ है मॉलिक्यूल और इसके बाजू बाजू के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल देखेंगे जो कि सरफेस पे, वाटर का जो अपर सरफेस है उस सरफेस के जस्ट सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है ये आधा हवा में है और आधा पानी के अंदर है, समझ में आया कि नहीं आया। अब जो पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है जो हिस्सा, उसके वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कर्सर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाले मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। और ये एयर और लिक्विड के बीच में जो भी फोर्स होगा उसकी वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे, वो बहुत वीक फोर्स होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, एडहेसिव फोर्स। और वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कोहेसिव फोर्स,
कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, एंड एडहेसिव फोर्सेस बाय द एयर मॉलिक्यूल ऑन वाटर इज वेरी वेरी लेस. तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है इस मॉलिक्यूल के ऊपर किधर आ जाएगा, ये नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो इसको ज्यादा फोर्स से नीचे की तरफ खींच ले जाएंगे, एयर वाले मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है. तो ये जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है इसकी भी कुछ एनर्जी होगी, लेकिन जितना अट्रैक्शन इस वाले मॉलिक्यूल को मिल रहा है विच इज डीप इनसाइड द लिक्विड, उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है बहुत ज्यादा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास नहीं है जो कि सरफेस पे मॉलिक्यूल है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है पानी के डीप में से मॉलिक्यूल को सरफेस पे लेके आए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है. एक्सपैंड करने पर उसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई दैट मींस वी हैव डन सम वर्क, ठीक है. तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि मॉलिक्यूल नियर द सरफेस पे तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, और उसके जो नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें ओनली लोअर हाफ साइड इज सराउंडेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल, सो उसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है जो कि फुली डीप इनसाइड वाले मॉलिक्यूल से कम है, ठीक है. तो मॉलिक्यूल्स ऑन अ लिक्विड सरफेस हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल्स इन द इंटीरियर, ठीक है. मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि लेस नेगेटिव है ना पोटेंशियल एनर्जी उनकी, है. टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस अदर एनर्जीज होती है. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अंदर मॉलिक्यूल है उसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसका मतलब है कि उसके पास और एनर्जी है कुछ दूसरे फॉर्म की. तो वो कह रहा है मॉलिक्यूल्स ऑन ए लिक्विड सरफेस, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है उसकी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू द मॉलिक्यूल्स इन द डीप इंटीरियर ऑफ द लिक्विड, ठीक है. देयरफॉर ए लिक्विड टेंड्स टू हैव द लीस्ट सरफेस एरिया विच एक्सटर्नल कंडीशन परमिट, इसका मतलब है वो जो अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो लीस्ट सरफेस एरिया ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब है कि वो सिकुड़ने की कोशिश करेगा. मतलब कैसी कोशिश करेगा, आपस उसमें सिकुड़ने की कोशिश करेगा, वो एक रबर शीट की तरह हो जाएगा, आपस में सिकुड़ने, उसको खींचोगे अगर तो वो फैल तो जाएगी लेकिन वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, इस तरह इलास्टिसिटी की उसके अंदर सरफेस में आ जाएगी. तो लिक्विड क्या करेगा, अपने एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा. इसीलिए जो ड्रॉप्स होती हैं किसी कांच के प्लेट के ऊपर अगर मरकरी रखोगे तो उसकी ड्रॉप बन जाएगी, पत्ती के ऊपर जो है पानी की बूंद देखी होगी वो ड्रॉप बन जाएगी, वो लीस्ट सरफेस एरिया, स्फीयर का लीस्ट सरफेस एरिया होता है, और कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो उससे स्फीयर का सरफेस एरिया लीस्ट होता है. तो सरफेस टेंशन की वजह से ड्रॉप्स गोल हो जाती है, समझ में. ड्रॉप्स गोल क्यों होती है एक सवाल है ना, तो सरफेस टेंशन की वजह से होती है. तो मैंने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एक पानी लेने का कटोरी में और उसके बाद उसमें एक नीडल, एक ब्लॉटिंग पेपर जो केमिस्ट्री में होता है फिल्टर पेपर, उस फिल्टर पेपर के ऊपर एक स्मॉल घर में सुई धागा वाली जो पतली नीडल होती है उसको आप रखेंगे और उसके बाद में उसको कागज पे रख के पानी के अंदर रख देंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा कागज और नीचे बैठ जाएगा वो, ठीक है, फिल्टर पेपर और वो जो सुई है. लेकिन शर्त यह है कि आपका जो पानी अनडिस्टर्ब होना चाहिए, हवा नहीं चलनी चाहिए वहां पे बिल्कुल भी. तो क्या होगा कि धीरे से वो कागज नीचे बैठ जाएगा, हो सकता है 2-3 घंटा लगे उसमें, लेकिन वो जो लोहे की सुई है वो पानी के ऊपर तैरती रहेगी. अब लोहे की सुई पानी के ऊपर तैर रही है इसका मतलब क्या है, द वाटर इज एक्टिंग एज अ रबर शीट, स्ट्रेस रबर शीट, खिंची हुई रबर शीट की तरह एक्ट कर रहा है, वही उसके अंदर सरफेस टेंशन है, ठीक है. तो सवाल ये उठता है कि अगर सरफेस के ऊपर एनर्जी कम है देन व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हैविंग ए मॉलिक्यूल एट द सरफेस, ठीक है. तो रफली वो हाफ ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट एंटायरली फ्रॉम द लिक्विड होगी. अंदर से निकालेंगे बहुत अंदर से, उसमें जितनी एनर्जी लगी होगी और उस अपर सरफेस वाले मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, वेपराइज करेंगे, तो वो एनर्जी जो है हाफ होगी, हाफ ऑफ हीट ऑफ
इवेपोरेशन होगी, ठीक है। सरफेस क्या है? सरफेस जो है अपर सरफेस इन ए डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू फ्यू मॉलिकुलर साइजेस, उस बात को हम सरफेस यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया? तो एक्स्ट्रा एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड, देयर इज सम एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द क्रिएशन ऑफ मोर सरफेस कीपिंग द अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट रिक्वायर्स एडिशनल एनर्जी। क्यों? जैसे मैंने कहा था ना, स्ट्रेस रबर शीट की तरह, रबर शीट की तरह सरफेस ऑफ द लिक्विड है, अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे मतलब हम एरिया को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो हमें एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस बात को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो है दो कॉपर के वायर्स समझ लो, इसके ऊपर एक रॉड है और यहाँ पे एक साबुन का बबल बना दिया गया है, साबुन का सोप का लेयर बना दिया गया है। सोप बबल बनाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, उसी तरीके से सोप का एक यहाँ पे एक सरफेस बना दिया गया है, ये पूरा बंद है और इस रॉड को खिसकाया जा सकता है, ठीक है। इस रॉड को मान लो डी अमाउंट हमने इधर खिसकाया और डी अमाउंट खिसका के छोड़ दिया तो क्या होगा मालूम है? ये वाली रॉड जो है वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेगी और आ जाएगी धीरे धीरे खिसकते खिसकते, समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू डू वर्क इन स्लाइडिंग दिस रॉड आउटर साइड बाई डी अमाउंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, सरफेस का एरिया बढ़ा दिया, तो एरिया बढ़ाने से क्या हो गया कि सिस्टम के पास और भी ज्यादा एनर्जी हो गई। इसका मतलब है सम वर्क हैज बीन डन अगेंस्ट द इंटरनल फोर्स। वर्क हमने किया, वर्क कितना किया, मान लो हमने एफ फोर्स लगाया और डी डिस्प्लेसमेंट दिया तो एफ इंटू डी अमाउंट का वर्क किया, ठीक है। तो अब एफ इंटू डी अमाउंट का जो वर्क है वो कहाँ पे हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दिस इज स्टोर्ड एज एडिशनल एनर्जी इन द फिल्म ऑफ सोप फिल्म, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी ऑफ द फिल्म है मान लिया हमने एस पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी जो है उसमें एस पर यूनिट एरिया है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एरिया कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा एरिया हो जाएगा टू टाइम्स डी इंटू एल। देखिए ये डी है और ये एल है, तो डी और एल इधर साइड में जो आपको दिख रहा है साइड वो एरिया, और दूसरे साइड जो आपको नहीं दिख रहा है मतलब पीछे वाला साइड, दो एरिया है ना, इसकी कुछ थिकनेस होगी ना शीट की, तो जो है ये दो एरिया है तो टू टाइम इन ट्वेल्व लिया, दोनों एरिया बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सरफेस कितना हो गया, एस इज द एनर्जी ऑफ द सरफेस पर यूनिट एरिया एंड टोटल एरिया एक्सपांशन इज टू डी एल, तो एस इंटू टू डी एल इज द टोटल एनर्जी इन द सरफेस। और वो किसके बराबर है, वो एनर्जी कहाँ से आई है, वो वर्क जो हमने किया एफ इंटू डी से बराबर, इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, डी डी कैंसिल आउट हो गया, S कितना आ गया, S आ गया F अपॉन टू L, ठीक है। S क्या है, S इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस टेंशन, S क्या है, S इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस टेंशन, ठीक है। नाउ यू सी सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन जो है इट इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड है, और ऑल्सो अभी हमने निकाला फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द मूवेबल बार, ये भी है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आए वो क्या है, सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और सरफेस टेंशन क्या है, इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल्स एट द इंटरफेस हैव एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन द इंटीरियर, ये बात समझ में आई हमारे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, वी कैन ड्रॉ ए लाइन, हम एक वो लिक्विड के अपर सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लिक्विड के अपर सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक फिगर बना देते हैं फट से, देखिए लिक्विड का अपर सरफेस जो है ये एक कंटेनर है, ठीक है, बड़ा सा कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड में हमने एक लाइन खींच दी, तो ये लाइन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इस लाइन पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके बाजू वाले मॉलिक्यूल्स जो है, इधर वाले मॉलिक्यूल्स,
इधर वाले मॉलिक्यूल्स इस लाइन पे मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं, बाजू वाले मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इधर साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लाइन को इधर खींच रहे हैं, लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स को इधर खींच रहे हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ द लाइन इज एल, लेंथ ऑफ द लाइन जो हमने ड्रॉ की है इमेजिनरी लाइन वो एल है ऑन द लिक्विड सर्फेस, ठीक है, ये बात कर रहा है। तो लाइन तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो क्या होगा, दिस लाइन ऑफ एटम्स इज इन इक्विलिब्रियम अंडर टेंशन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, जो जिस फोर्स से वो खींच रहे हैं एटम्स बाजू वाले पर यूनिट लेंथ, दैट विल बी द सरफेस टेंशन, ठीक है। अब जो है सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का टेम्परेचर्स के साथ फॉल करता है, मतलब कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, जैसे कि ठंडा पानी है तो उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, और अगर पानी गर्म कर दिया है तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन कैसे कम होता है, जैसे कि सादा पानी है तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, और जैसे कि उसमें आप साबुन मिला देंगे, सोप मिला देंगे, तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा ड्यू टू सेपोनिफिकेशन एक्शन, ठीक है। तो कोई भी जो फ्लूड है वो किसी सॉलिड से स्टिक करेगा कि नहीं करेगा, मतलब कोई फ्लूड है जैसे मर्करी ऑन द ग्लास या वाटर ऑन द ग्लास प्लेट, मर्करी ऑन द ग्लास प्लेट एंड वाटर ऑन द ग्लास प्लेट कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहा है। अ फ्लूड विल स्टिक टू ए सॉलिड सरफेस इफ द सरफेस एनर्जी बिटवीन द फ्लूड एंड सॉलिड इज स्मॉलर देन द सम ऑफ द सरफेस एनर्जी बिटवीन सॉलिड एयर एंड फ्लूड एयर, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी बिटवीन फ्लूड एंड सॉलिड, ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे दिखाया दो ड्रॉप्स दिखाए हैं ना, ये ड्रॉप्स, इसमें ही समझ लो कि ये जो फोर्स लग रहा है ये सॉलिड लिक्विड के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये लिक्विड और इस सॉलिड के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो, और ये जो फोर्स दिखाया गया ये है ये लिक्विड एंड एयर के बीच में, यहाँ पे एयर है, लिक्विड और एयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ये दिखाया है, ठीक है, और सॉलिड और एयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इधर दिखाया है, इसी तरह इसमें दिखाया है, दो टाइप के दिखाया है। तो उसी में ये कह रहा है कि लिक्विड जो है स्टिक कब करेगा सॉलिड सरफेस पे, व्हेन द सरफेस एनर्जी बिटवीन फ्लूड एंड सॉलिड इज स्मॉलर, सरफेस एनर्जी बिटवीन फ्लूड एंड सॉलिड, फ्लूड एंड सॉलिड की सरफेस एनर्जी जो है विल बी स्मॉलर देन द अदर एनर्जीज, अदर एनर्जीज आर सॉलिड एयर एनर्जीज एंड फ्लूड एयर एनर्जीज, ठीक है। कोहेशन मैंने बताया था, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स आपको बताया था। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जैसे लिक्विड 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 के जो मॉलिक्यूल्स हैं सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेशन होता है, ठीक है। तो और एक होता है एडहेशन, ठीक है, दो टाइप के फोर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है कोहेशन बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड, ठीक है, इन्होंने कहा है कि सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस जो है दोनों के बीच में एक कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जो हम इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में फोर्स लग रहा है उसको इन्होंने किस तरह से मेजर किया, एक वर्टिकल ग्लास प्लेट ले लिया, इसमें से डोरी बांध दी है और यहाँ पे जो है एक तराजू लगा दिया, ठीक है, वेइंग स्केल लगा दी, ये वेइंग स्केल का दूसरा वाला पलड़ा है, ठीक है। पहले तो हमने जो है इस प्लेट को हवा में मेजर किया, वेट आया W, बराबर है, फिर क्या किया, फिर हमने नीचे से कंटेनर लेके आए और इसको टच करा दिया, ये ग्लास प्लेट जो है ना, वर्टिकल ग्लास प्लेट है, वर्टिकल ग्लास प्लेट, इसकी पतली सी एज जो है पानी के अंदर है, बराबर, तो इसको हम टच करा देंगे ग्लास प्लेट को, तो जैसे ही ये लिक्विड जो है टच करता है ग्लास प्लेट से, तो सरफेस टेंशन जो फोर्स बिटवीन दिस सॉलिड ग्लास प्लेट एंड द लिक्विड, ये फोर्स होगा, उसकी वजह से ये आपस में चिपकने लगेगा, बराबर है। तो इसका मतलब है कि इधर साइड में ये पलड़ा नीचे झुक जाएगा और इधर वेट कम हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ और वेट रखना पड़ेगा, तो इसको इतना वेट रखते जाएंगे यहाँ पे ताकि ये फिर से लिक्विड से छुट्टा ना हो जाए, ये ग्लास प्लेट लिक्विड से छुट्टा ना हो जाए। मान लो एल लेंथ जो है इसके टच में है, L length of the glass plate is in touch with the liquid. तो यहाँ जो extra weight हमने लगाया इसको फिर से छुट्टा करने के लिए, ठीक है,
दैट वेट डिवाइडेड बाय द लेंथ, 2L क्यों लिखा हुआ है? जो नीचे का ग्लास प्लेट का सरफेस है, नीचे का जो ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट है, तो इसका नीचे का जो ये सरफेस दिख रहा है ये कैसा है एक्चुअली? ये इस तरीके का है। तो एक एल ये भी है और एक एल ये भी है, इसलिए 2L लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एस एल ए क्या हो गया? डब्ल्यू अपॉन 2L। डब्ल्यू कितना है? एम जी, तो एम जी अपॉन 2L। तो इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं, लिक्विड एयर इंटरफेस टेंशन को हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। देखो ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उसको हम प्रैक्टिकली मेजर इस तरीके से कर सकते हैं। अब आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? देखो कैसे डिफाइन किया गया, एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है आपका, एंगल बिटवीन द टेंजेंट, इस लिक्विड सरफेस का जो टेंजेंट खींचा जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ठीक है, एंड द ग्लास सरफेस, ग्लास सरफेस ये, सॉलिड सरफेस ये, इनके बीच में जो एंगल होगा और मेड इन द लिक्विड, मतलब अपने को ये एंगल नहीं लेना है भैया, ये वाला एंगल लेना है जिसमें लिक्विड एनक्लोज है, इन साइड द लिक्विड एंगल लेना है, समझ गए? एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सॉलिड सरफेस इन साइड द लिक्विड, ये ध्यान देने वाली बात है, इन साइड द लिक्विड इज टर्म्ड एज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये थीटा बताता है, वैल्यू ऑफ थीटा बताता है कि लिक्विड सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा सॉलिड पे या ड्रॉपलेट बनाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये ड्रॉपलेट बना रहा है, ठीक है, थीटा ऑब्ट्यूज है यहाँ पे, राइट, दिस इज अ ड्रॉप, वाटर ड्रॉप ऑन द लोटस लीफ और द वाटर ड्रॉप ऑन द प्लास्टिक, ठीक, ये ग्लास प्लेट पे वाटर ड्रॉप डाला है, तो इसमें देखिए एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो थीटा आपको समझ में आ गया क्या है, थीटा इज नोन एज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम इस फिगर को देखेंगे, तो एस एल ए का एक कंपोनेंट आएगा एस एस एल की तरफ, आएगा ना, तो एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल इज इक्वल टू एस एस ए, हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाती है, बराबर। देर आर थ्री फोर्सेस, कौन कौन से? एस एल ए सरफेस, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर, एंड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ये तीन चीजें मिला के उस फिगर से अपने को क्या मिलता है रिलेशन, एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल इज इक्वल टू एस एस ए, ठीक है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, तो ऑप्टूज होगा तो क्या होगा, एस एस एल जो है एस एल ए से बड़ा होगा, जैसे कि वाटर लीफ सरफेस में, और एक्यूट एंगल होगा एस एस एल जो है एस एल ए से जो है कम होगा, तो ये वाटर प्लास्टिक सरफेस पे होगा, ठीक है। इस एंगल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे, ठीक है, अंटिल देन गुड बाय। क्विक डील, अ मार्केट प्लेस टू सेल एनीथिंग, apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick deal.